आपकी महाराज बताइए, आपकी महाराज क्या सोले मेरी माँ की कसम। अरे क्या करेगा, क्या करेगा, बताओ क्या करेगा। बाबू अगर मारे कहे तुमका तो ही न मारो, ये मरबे ज्यादा लाग जाए। अब पीछे चला, पीछे चला तो हम बताई चला। होश में हो जाओ नहीं तो समझ लो मुनीलाल और हे सुनीलाल, लेकिन हम दोनों दोस्त पहुंच गए उस प्रतियोगिता में और पहुंचते हाथ मिला लिया, सभी कुश्ती हुई, सभी कुश्ती हुई और उसके बाद मैं नागौर का मंत्री और मेरा दोस्त भवानी सिंह बिजनौर का मंत्री रंभा को हासिल करने के लिए हम चलते हैं अपने दोस्त भवानी सिंह के पास और राजसुमार रंभा से मेरी मुलाकात नहीं होगी तब तक मेरे दिल को चैन नहीं है, इसलिए आओ हम चल रहे हैं और तुम दोनों 5 मिनट के अंदर आओ। कितना समय? 5 मिनट। अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ, एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो ये भाईरव से सोले तुम दोनों को जमीन में जिंदा घुसेर देगा। खबरदार मेरे खिलाफ इस नागौर में कोई आवाज नहीं उठाई, आवाज गांव से पहचान लो भैरव सिंह का असली रूप। ये भैरव सिंह क्या है शायद तुम लोगों को नहीं मालूम है। पैर है पुतला जफा, पैर है पुतला जफा, राख का पत्थर हूं मैं, चला कर खा कर दू शैतानों का अफसर हूं मैं। समझ लो तुम सबों की तकदीर का भाई। एक बात बताओ, पहले तो अपने विषय थोड़े विषय का बात हुई तो हमार दोस्त आई हुए हाँ हमका बचावत रहो बड़े प्यार से हाँ चैलेंज दे दे कर अब का। अरे सहले मरवा डी हो कोनो दिन हमका जान पाए तो हमका का तुम अब की मारो तो देखी अब की तुहार अवकात हुए तो देखो यतान करके साले अच्छे ढंग से पेलवायो हमका तुम। अच्छा ये बताओ हमारे शरीर में बरारे बरार अपन
आमापुर आमापुर जल्दी करो आमापुर राम कुमार भैया की तरफ से 50 रुपए का इनाम खोवा पनीर की आवश्यकता जिन भाई को हो हमारे भाई राम कुमार से संपर्क करे धन्यवाद। भैया बताओ आए? जब तुमका मारिस हाँ तो तुमका मारिस हाँ तो तुमका हमका जब मारिस तो का भा हमका मारिस तो साले तुम खीसे काढ़त रहे हो कहे हमका बहुत अच्छा लागत रहा और जो हमका मारिस तो तुमका मारिस तो का भा तुम बताओ हमका जब मारिस तो हम लाला का बकरी बटुर गई और तू तो बर्दाश्त कर लिया। अच्छा ये बताओ सब बात छोड़ो हाँ ये बतावा कि पे मरत है का के पे मरत है अरे राजकुमारी रंभा के ऊपर राजकुमारी रंभा के ऊपर जब से सकल देखा तब से मेरे दिल में बेचैनी है चांचार हो जाते जब राजकुमारी रंभा हमारी बन जाती तो कहते हैं कई सारे का नियत ही खराब है नियत नहीं एकदम ने छुटा है पक्का टुकाची है ये समझ में नहीं आ रहा हमें कि एक कैती कहत है राजकुमारी रंभा का बेटी नमस्ते एक कैती सार बिटिया नमस्ते एक कैद वही कह रहा कि मेरी जान कम मिलोगी दस साले उठाएगी हराम खोर इडियट के मारा का पटैली रंडी भतार गाड़ी छिनार ये क्या है रंडी भतार गाड़ी मेहरून वाली गाड़ी कब से दिए लगे नहीं समझ पाए एका दिन दोपहरे चाहे सारा दिन करिया अच्छा लेकिन कऊ बुरा ना मान पाई मेहरून की गाड़ी लेकिन एका सारिया दड़ियल खौरहा का यही मंत्रिया भैरो का जो ने भट्ठास मूल है या साला खौरहा साला दड़ियल हमार तो पेलाई करबे भा लेकिन ये साला ने छुटा है राजकुमारी के चक्कर में परेशान है और कहत का है राजकुमारी कहा जब तक तुमको मैं अपनी न बना लूंगा चाहे हम कुमारा मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे साथ शादी करेंगे और राजमाता को मैं अपनी दिलो दिमाग से खुम मानता हूँ चुआर उठाए भैया है कहा राजकुमारी क्यों बे और नेताजी कहाँ का भाकल हो जल्दी आओ जल्दी आओ साले नहीं मेरे ना रहने पर साले हमारी बुराई हम नहीं थे हाँ कबे चल जी लम्बरदार आपके बुराई नहीं आपके बड़कई करत रहे यह साला चोर उल्टा हमका बताओ ला दोबारा अब ऐसी गलती नहीं करना आज तुम लोगों की पहली गलती है इसलिए भैरव सिंह माफ कर रहा है अगर दोबारा गलती किया तो याद रखना जब तक मैं बोलता हूं बोलता अगर शायद मेरा बोलना बंद हुआ
तो उसके बाद भैरव सिंह के जूते क्रम भाव की शक्ल भैरव सिंह के दिल में बसी है और क्या भैरव सिंह अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका है कि हे राजकुमार रंभा शादी तुम ही से रचाऊंगा वरना कुमारा मर जाऊंगा। कब तो तुम बटूरी जाइए यार तो हाय हम मुँह देखत रही हमार मुना देखो तो हाय मुँह देखत रही नहीं कि हम हौके रही हमार मुना देखो यही का हटाओ बाप रे दैया साले मरवाए जेठे ही बनी बनाई इज्जत हमार खाक में मिलवा दियो अब की आवा कसके पेली से लेकिन एक बात और सुन हाँ। चाहे जितना ही राम राजकुमारी रंभा के चक्कर में हाँ। हमसे मिलके करिए तब तो शायद हासिल हो जाए नहीं हमें मारिए ये शादी करना पे ही सारे कुमारे मरी कुमारे मर भी गई हैं अये मारिन हमका ज्यादा इनके हम पीछे अब हम हूँ पर गए ए भैया लेकिन चल रहे हैं अब कुछ सुनना नहीं चाहते अरे घूटा के तरे तरे वही मुश्किल कहीं कवन कलिया हवाना बाबू सब दिन तो आपसे करत रहे और क्या है कैसा ठीक है बाबू मुन्नीलाल हाँ? हाँ, हाँ मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप कुछ बताना चाहते हैं हाँ आप क्या बताना चाहते हैं बिजनौर वासियों को ये बताना चाहता हूँ ओहो आप अपना पर्चा देना चाहते हैं पर्चा नहीं तो कितना देना चाहते हैं परिचय 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 मेरा नाम भवानी सिंह आपका नाम भवानी सिंह हाँ इसी बिजनौर का इसी महामंत्री भवानी सिंह हम बचपन के तीन दोस्त हैं आप बचपन के तीन दोस्त थे हाँ। कौन कौन थे मैं भवानी सिंह और नागौर का महामंत्री भैरव सिंह और एक हमारा दोस्त है भयंकर सिंह भैरव सिंह से काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई इसलिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे और अगर नहीं आ रहे तो हमारा घोड़ा तैयार किया जाए मैं खुद स्वयं चलूंगा मिलने ठीक है मंत्री जी आप बैठिए हो सकता है आज आपका दिल बेचैन है नागौर के महामंत्री भैरव सिंह से मिलने के लिए हो सकता है शायद आज आपके दोस्त आते ही हों मेरे दोस्त मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे दोस्त
कहो दोस्त। कहो दोस्त मन मेरे दोस्त, कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है। चिंतित क्यों हो भवानी सिंह? आज अपने दोस्त भैरव सिंह का उदास चेहरा देखकर तुम हैरत में पड़ रहे हो। मैं बहुत चिंतित हो गया दोस्त, और क्या बात है, मैं साले को चिंता दफना तू अगर किसी ने कुछ भवानी सिंह किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है जो हमारे नागौर में मेरे खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन बात है मेरे दोस्त, बात कुछ ऐसी है जो कि आपका दोस्त ये भैरव सिंह उदास नजर आ रहा। बोलो क्या बात है मेरे दोस्त। भवानी सिंह, आज ये तुम्हारे दोस्त भैरव सिंह का दिल एक लड़की पे आ गया। बाबू, मेरे दोस्त का दिल एक लड़की पे आ गया। देख लो, हम कहीं काहे बरे इनके मुंह लटका है। मेरे दोस्त, अरे एक लड़की क्या, अरे हुकुम करो हजारों लड़की लाके। नहीं भवानी सिंह, वो हजारों लड़कियां नहीं चाहिए, लड़की वही चाहिए मुझे जिस पर तुम्हारे दोस्त भैरव सिंह का दिल आया। कौन लड़की है मेरे दोस्त, बोलो। तो ध्यान से सुनना कि वो लड़की है कौन। वो लड़की है हमारी राज माता की बेटी राजकुमारी रंभा। मेरे दोस्त, अरे भवानी सिंह जानते हो, जैसे ही मैंने उस लड़की का नाम बताया तुम्हारे हाथ से बंदूक जमीन पर गिर गई। भैरव सिंह, मेरे दोस्त जानते हो वहां के सेनापति को कितना खूंखार है, और फिर भी रंभा के लिए बोलो। इसका मतलब इतनी बड़ी उम्मीद लेकर आए थे और मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। नहीं मेरे दोस्त, उम्मीद पे पानी नहीं, अरे अभी जब तक चमारे जिंदा है भवानी सिंह, एक्शन करने की जरूरत नहीं है। मिलेगी राजकुमारी रंभा, मिलेगी, हाँ मिलेगी मेरे दोस्त, चिंतित ना हो। अभी अपना एक दोस्त भयंकर सिंह है।
यार उसकी बात मत करो, वो जेल में है। अरे वो जेल में नहीं है, वो बिहार में है। क्या? और वहाँ का अड्डा सिर्फ मुझे पता है वहाँ का रास्ता। क्या बिहार जेल से छूट गया? हाँ जेल से छूट गया और वो इस समय बिहार में है। आइए हमारे साथ, हम आपका काम करवाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है भवन सिंह, जब तक हम राजकुमार लंबा से नहीं मिलते मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा। चलो शांत मेरे दोस्त, शांत। बहुत जल्द दोस्त भयंकर सिंह से मिलो। हम कही इनके मुंह काहे लटका है, इनके मुंह खचुए है से लटका है, सरऊ मार रहे हैं लड़की के बजे। ठीक है का बताई, हम कहीं निका सकी तो छोट मोट मनई, जो कहीं है वह हम करे परे, इनके नौकर चाकर रहे, कौनो बात नहीं है। हम चल रहे हैं लेकिन कैसे चल रहे हैं मास्टर साहब? अरे कतौ हुई है सड़क पई लटकई, काफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है, मेरे जवानों बच के रहना, हम सबों का काम है। मेरे जवानों इस घड़ी पुनः लगा कर नौजवान साथियों, अपनी अपनी जगह पर तैनात रहिए ताकि हमारे सरदार भयंकर सिंह आए तो ये ना सोचे कि हमारे साथी गफलत की नींद में सो रहे हैं। साथियों जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। दुर्रा की आई शेर, दुर्रा की आई शेर, तो आंखें निकाल लूं और प्रताप चबी का फाग समंतर उछाल और उड़ती हुई जहाज को लंकर से थाम दूं। चौला सिंह और मान सिंह, चौला सिंह, चौला सिंह बतला दे साथियों की कैसी चाल है, और मान सिंह बतला दे द्रोह का कैसा। सरदार जी, जब तक आपके ग्रोह में चौला सिंह मौजूद है कोई भी आपने ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। सरदार जी नहीं कर सकता। मेरे नौजवान साथियों, चौला और मान सिंह, कल तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ कल की डकैती में मुझे कामयाब किया है,
बहुत खूबसूरत टकैती लूटा है साथियों, लूटा हुआ धन, कल की टकैती का लूटा हुआ धन आधा गरीबों में बांट दो, गरीबों में बांट दो और आधे धन को तुम दोनों बराबर में बांट लो, कोई होशियारी नहीं करेगा। साथियों, हम बचपन के तीन दोस्त हैं। कौन कौन थे सरदार? हम बचपन के तीन दोस्त। पहला मैं डाकू भयंकर सिंह और मेरा दूसरा दोस्त भैरव सिंह और मेरा तीसरा दोस्त मेरा तीसरा दोस्त भवानी सिंह। साथियों, कहते हैं कि तकदीर के खेल बड़े ही निराले होते हैं, तकदीर के खेल बड़े ही निराले होते हैं। आज देखो, आज हमारे दोनों दोस्त मंत्री के पद पर हैं। मेरा पहला दोस्त भैरव सिंह जो इस वक्त नागौर में महारानी चपला के राज दरबार में मंत्री के पद पर है, और मेरा दूसरा दोस्त भवानी सिंह जो इस वक्त बिजनौर में शबराज विजय सिंह के राज दरबार में मंत्री के पद पर। और तुम्हारे साथ साथियों, तुम्हारे सरदार की किस्मत को देखो, इसकी मुकद्दर को देखो कि अपने जिस पर ये अपने जिसमें काली वर्दी डालकर और हाथ में बंदूक लेकर बिहार की जान छान रहा है। साथियों, खैर छोड़ो, चौला सिंह आज डकैती कहीं नहीं पड़ेगी, आज डकैती कहीं नहीं पड़ेगी। आज हम अपने आहिले अड्डे पर बैठकर आराम करेंगे, इसलिए ज्वाला सिंह और मान सिंह जाओ, इस वक्त कोई अच्छी सुंदरी तवायफ लेकर आओ और साथ में रंगीन पातल लेकर आओ। आज हम सब मिलकर इस आहले अड्डे पर जश्न मनाएंगे और आराम फरमाएंगे, और कोई अच्छी तवायफ लेकर आओ को हमारे अड्डे पर आए और सबका दिल बहलाए और हमारे आहले अड्डे से काफी रकम लेकर जाए। ज्वाला सिंह कहां से लाया रे? गोसाईगंज से लाया हूं अभी। शाबाश, बहुत खूबसूरत ने कराया है रे। सरदार जी करोड़ों में है। अरे तू बहुत सुंदर है रे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुन्नी बाई है। अरे ज्वाला सिंह, ये कौन है रे? इनके साथ है भाई। ये मेरे साथ मेरे। हाँ, मुन्नी भाई के साथ भारी शाख। मुन्नी बाबा ही। क्या? मुन्नी बाबा। इनके नाम मुन्नी बाई, हमारा मुन्ना बाबा राम प्यारी। ओहो, तेरा नाम राम प्यारी है क्या? राम प्यारी है। तो मुन्नी भाई और राम प्यारी, हाँ, इन्हीं के आज हमारे आहिने अड्डे पर आई हो, डाकू भयंकर सिंह के आहिने अड्डे पर आई हो। आज हमारे अड्डे पर अपने मुखारविंद से कोई ऐसा तराना छेड़ो कि भवानी कसम साथियों सहित सबको मजा आ जाए। अरे चिंता न करो सरदार जी, और हमारे अड्डे पर इतना नाचो कि तुम्हारे पैर में जो घुंघरू है वो टूट कर पानी की तरह बिखर जाए। क्यों नहीं सरदार जी, शुरू हो जाओ भाई जी।